चले मेन में दे रहा है इसका मतलब दोस्तों, ये है टाटा एस गोल्ड और ये गाड़ी 5 साल से खड़ी है नॉन स्टार्टिंग कंडीशन में और इसको हम लोग अभी स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इसमें सब कुछ चेक किया जा रहा है अभी क्या क्या कमी है, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। अभी सेल्फ इसका हम चेक कर लिया है, सेल्फ अभी सही है और इसमें अभी सबसे पहले हम लोग को नया बैटरी लगाना होगा और फ्यूल चेक करना होगा कि इसमें फ्यूल कितना है और पंप काम कर रहा है कि नहीं। बाय इतना प्ले स्टेरिंग में भैया हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं। टर्निंग खोल रहे हैं तो हमारे मिस्टर साहब देखिए चेक कर रहे हैं गाड़ी को। अभी इन्होंने मेन पाइप चेक किया, इसका टर्निंग पाइप भी खोल रहे हैं, काफ़ी सही तरीके से गाड़ी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ वही निकाल दीजिए छोड़ी हमारा सर एकदम तो होटल यहाँ आ गया है। अब पंप मारी वीर भाई और तेल लिखी है पे ये बाहर मारी मारी पास। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिटर्निंग पाइप में फ्यूल आ गया है तो इसका मतलब तेल का सप्लाई जो है सही है। बस 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 भाई कर दीजिए कर दीजिए उसको कहीं दावा न्यूट्रल कर लिया सब गियर में देखे ना अजय न्यूट्रल। दोस्तों गाड़ी स्टार्ट करने से पहले फ्यूल हैंड प्राइमर का हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्यूल हैंड प्राइमर हार्ड रहेगा तभी गाड़ी में जो है वो स्टार्ट हो सकेगी। पहुंच चुका सिलेटर वो फसल बताओ। हां यहां चलो आ गए सिलेटर खाते मोबाइल रख दे। अच्छा भैया आ गए बच्चा भैया आ यार